दोस्तों नमस्कार, जैतान न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूं आईडी खान और इस समय जैतान क्षेत्र से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि जैतान क्षेत्र के बाबरा ग्राम स्थित एसबीआई बैंक के परिसर में लगे दो एटीएम को शनिवार देर रात्रि को अज्ञात नकाबपोश लुटेरों ने कटर की सहायता से उन एटीएम को लूट कर वहाँ एटीएम में जमा 25,19,300 रुपए की नकदी लूट कर ले गए तथा लूट की वारदात के बाद इन लुटेरों ने इन दोनों एटीएम में आग लगा दी और वहां रखे एटीएम के उपकरणों को भी बाहर फेंक दिया गया। इस संबंध में रविवार अल सुबह ग्रामीणों को घटना की जानकारी होते ही उन्होंने निकट के पुलिस थाना रास को सूचना देने पर राज थानाधिकारी एवं जैतान पुलिस उप अधीक्षक श्री वीरेंद्र सिंह जी राठौड़ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि शनिवार देर रात्रि 1 बजे लगभग एक बोलेरो में 5 नकाबपोश लुटेर आए जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। इस संबंध में पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के द्वारा इन लुटेरों की पहचान की जा रही है और इस घटना की जानकारी मिलते ही जिला पुलिस अधीक्षक श्री दीपक जी भार्गव भी मौके पर पहुंचे है। मैं आईबी खान खान मीडिया के लिए जैतान न्यूज रूप से, आप देखिए जो खान न्यूज को वो बाबरा से जो तस्वीरें मिली है एटीएम लूट की। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।